जीशु जिरियो नगर दे जाउथिले जिरियो रे जख्य बोली जणे लोक थिले से जणे प्रधान कर आदाय करथिले ओ से बहुत धनी थिले से जीशु को देखिबा को चाहुथिले आहुरी मध्य अनेक लोक जीशु को देखिबा को चाहुथिले जख्य एते बांगरा थिले जे लोकों को भीतर थाई जीशु को देखि पारिबा संभव नथिला तेणु जो बाटे जीशु आसीबे बोली से जानिथिले से भली गोटे स्थान को से दौड़ी गले जीशु को देखि पारिबा पई से गोटे डिंबिर गछरे चढ़ी गले जीशु से ही स्थान को आसिले से ऊपर को चाहिले से जख्य को गछ ऊपर देखिले जीशु ताहू को कहिले जख्य शीघ्र तल को आस मु आजि निश्चय तुम घरे रहिबी तापर जख्य खूब शीघ्र तल को ओल्हे आसिले अत्यंत खुशी रे से जीशु को निज घरे स्वागत कले समस्ते एक कथा देखिले से मन अभिषेक करबा को आरंभ कले देख केऊ भली लोक सहित जीशु रहउचंती जख्य गोटे पापी जख्य प्रभु को कहिले मु भल काम करबा को इच्छा करूची मु मो धनर अधा गरीब को बांटी देबी मु जदि कहारी को ठकी थाए तबे सेही लोक को चारि गुण धन फेराई देबी जीशु कहिले ए लोकटी प्रकृत रे जने भल मनीष से अब्राहम को उपयुक्त संतान तेणु आज से निज पापर उद्धार पाई गले मनुष्य पुत्र हजि जाइथिबा लोक मानंकु खोजिबाकु ओ से मानंकु रक्षा करबाकु आसीचंती जीशु जेरुसलम रो पाखापाखी आसी गले केतक लोक भाविले जे परमेश्वर को राज्य शीघ्र आसी जीव लोक माने एही कथा भावुथवा जीशु जानी परिले तेणु से लोक मानु के दृष्टांत टी कहिले जणे अति मान्यगण्य व्यक्ति राजा हेबा पई कोनोसे एक दूर राज्य को जीवा को प्रस्तुत हेउतिले तापरे से फेरी आसी निज लोक मानु उपरे शासन करबा को योजना कले से निजर 10 जण चाकरन को डाकिले से प्रत्येक चाकरन को गोटिए गोटिए टंका थळी देले से कहिले मु फेरिबा पर्यंत एही टंका रे व्यवसाय कर सेही व्यक्ति को से राज्यर नागरिक माने घृणा करथुले तेणु से माने ताहांको पछरे तळे लोकन को सेठा को सेठाकु जाई एही दलर लोकमाने कहिले आंभे चाहुना जे सेही व्यक्ति आंभ मानकर राजा हुंतु तथापि से राजा होइगले तापर से घर को फेरी आसिले तापर से कहिले जो चाकर मानकु मु मोर टंका देथिली समानकु डाको मु जानिबाकु चाहुची जे सेही टंका रे सेमाने आउ केते अधिक लाभ करिसंती प्रथम चाकर जणक आसी कहिला आज्ञा आपण मते देइथिबा टंका थळीटिकु व्यवहार करि मु 10 थळी अधिक टंका अर्जन करिछि राजा चाकर मानकु कहिले बहुत भल कथा तुम्भे जणे भल चाकर तुम्भकु छोट छोट विषय विश्वास करेणु मु तुम्हको मोर 10 नगर शासन करने देवी द्वितीय चाकर टी आसला और कहला आज्ञा आपण देखा टंका थली को व्यवहार कर थली टंका अर्जन करी राजा से ही चाकर टी को कहले तुम्हे 5 नगर उपर शासन करापर अन्य चाकर टी भर को आसला से राजा को कहला आज्ञा यही आपण टंका थली मु खंडे कनारे गुड़ाई रखी थी आपण जने कठोर व्यक्ति होइथिबार मु आपण को भय करी एपरिक आपण निजे अर्जन कर थिबा टंका नै थांती ओ निज उत्पन्न करि नथिबा खाद्य शस्य संग्रह करि थांती तापरे राजा सेहि चाकर को कहिले तुम्भे जणे दुष्ट चाकर तुम्भे मो प्रति व्यवहार करथिबा भाषा रे मु तुम्भरी विचार करिवि तुम्भे कहिछ जे मु जणे कठोर व्यक्ति पुनी कहिछ जे मु अर्जन न करि टंका निए ओ उत्पन्न न करि मध्य खाद्य शस्य संग्रह करे जदि ए कथा सत्य तबे तुम्भे मो टंका बैंक रे जमा रखि परिथांत ताहा हेले मु फेरि आसला बेळकु मो टंका रे किछि सुध अर्जन करा जाई परिथांत सेठरे रहि ए सब देखुथिबा लोकमानंकु राजा कहिले ए चाकर पाखरु टंका थळीटी नै जाय 10 थळी टंका अर्जन करथिबा चाकर को देई दियो लोकमाने राजांकु कहिले किंतु आज्ञा से चाकरटी पाखरे तो आगुरु 10 थळी टंका अछि राजा कहिले जदि जणे व्यक्ति ता पाखरे जहा अछि ताहार व्यवहार करे तेबे से आहुरी अधिक पाइबो किंतु जो व्यक्ति ता पाखरे जेतिक अछि ताहा व्यवहार करेनि ताठारु ताहा मध्य छडाइ निए जिवो बर्तमान मोर शत्रु माने कहंती मु समानकर राजा न हुए बोली जो माने चाहुतिले समाने कहंती मो शत्रु मानंकु एटा को आनो समानकु मो आखी आगेरे मारी दियो जीशु ए सब कहि सारिबा परे जेरुसलम आडकु यात्रा आरंभ कले जीत पर्वत पाख बेतफागी ओ बेथोनिया नगर पाखकु जीशु आसी गले जीशु निजर दुई जण शिष्यंकु एहा कहि पठाइले आगेरे जो गां देखा जाउची सेठाकु जाओ तुम्हे माने गां रे पसिबा मात्रे सेठारे गोटी गध छुआ बंधा होइतिबार देखिबो सेही गध उपरे केही केबे हेले चढ़ी न थिबे ताकु खोली दे मो पाखकु आनिबो जदि कोनोसी लोक तुम्भकु पचारे जे तुम्भे माने गधटिकु काहि कि नै जाउछो तेबे तुम्भे माने कहिबो जे प्रभुंकर एटी दरकार अछि दुई जण शिष्य सेही गां कु गले जीशु समान कु जेभळी कहिथिले ठीक सेही अनुसार से माने गधटिकु पाई गले शिष्य माने गधटिकु फिटाउथवा समय रे गधटिर मालिक माने बाहरि आसिले से माने शिष्य मान कु पचारिले तुम्भे माने गधटिकु काहि कि फिटाउछो शिष्य माने कहिले एहा ठारे प्रभुंकर दरकार अछि तापरे शिष्य माने गधटिकु जीशुंक पाखकु आनिले सेमाने गध पीठी उपरे सेमानंकर लुगा पकाइले तापरे सेमाने जीशुंक गध उपरे बसाइले जीशु गध उपरे बसी जेरुसलम आडकु यात्रा कले
ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିଜ ନିଜ ଲୁଗା ବିଛାଇ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମର ପାଖ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଜିତ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୁଦାୟ ଶିଷ୍ୟ ଦଳ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତିଗାନ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ହେଉ। ଜନଗହଳିରେ କେତେଜଣ ରହିଥିବା ଫାରୁସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁ, ତୁମ୍ଭର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ନ କହିବାକୁ କୁହ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯିବ। ଯଦି ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏସବୁ କଥା ନ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ପଥର ସବୁ ପାଟି କରି ତାହା ସବୁ କହିବେ। ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ ଦେଖି ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭକୁ କିପରି ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ ତାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିପାରନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭ ପାଖରୁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ତୁମ୍ଭ ସକାଶେ ଏପରି ସମୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ କି ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ୍ଭ ଚାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରିଦେବେ। ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଘେରି ଯାଇ ଅବରୋଧ କରିବେ। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତୁମ୍ଭ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପଥର ଅନ୍ୟ ପଥରଟି ଉପରେ ସେମାନେ ରଖାଇଦେବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଘଟିବ କାରଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟଟିକୁ ତୁମ୍ଭେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ କିଣାବିକା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ଚୋରମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ କରିଦେଇଛ। ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଓ ଜିହୁଦୀ ନେତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଓ ଜିହୁଦୀ ନେତାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥିଲେ।